राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि एल नाम वाले जातक एवं आर नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है एवं वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि जो भी आर नाम वाले जातक होते हैं वो आखिर होते कैसे हैं। मित्रों, आपको बता दें, आर नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो अपने जीवन में हमेशा अपने जीवन के हर संबंध को, चाहे वो संबंध इनके दाम्पत्य जीवन का हो, इनके प्रेम जीवन का हो, किसी भी इंसान के साथ में इनकी दोस्ती हो, इनका पारिवारिक जीवन हो, या इनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध क्यों ना हो, ये अपने जीवन के हर संबंध को बहुत ज्यादा ईमानदारी एवं वफादारी के साथ में निभाते हैं। मित्रों, आपको बता दे, इस नाम के लोगों के साथ में यदि कोई भी इंसान किसी भी संबंध को ईमानदारी के साथ में निभाता है तो उन दोनों के बीच में जो संबंध बनता है वो इस धरती का, इस दुनिया का सबसे उत्तम यानी कि सर्वोत्तम संबंध बनता है। दोस्तों, आपको बता दे, इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो अपने जीवन के यात्रा में अपने दोस्ती को या अपने दुश्मनी को बहुत ही ज्यादा शिद्दत के साथ में निभाते हैं। यदि कोई इंसान इनके साथ में दोस्ती में ईमानदार होता है तो इन दोनों की जो दोस्ती होती है वो सबसे अच्छी होती है। लेकिन यदि कोई इंसान इनके साथ में दुश्मनी को निभाता है तो फिर उन दोनों के बीच में जो दुश्मनी का भाव होता है वो भी सबसे अलग होता है। सामान्य लोगों के दुश्मनी से इन दोनों की जो दुश्मनी होती है वो एकदम भिन्न होती है। वैसे इसके अलावा यदि हम एल नाम वालों की बात करें तो एल नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो अपने जीवन के यात्रा में अपनी आजादी को सबसे पहले एवं सबसे ज्यादा महत्व देते हैं एवं कभी भी अपने जीवन में अपने आजादी के साथ में कोई भी समझौता करना पसंद नहीं करते हैं एवं अपने जीवन के यात्रा में अपनी आजादी को सबसे पहले एवं सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दोस्तों, आपको बता दे, इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो कभी भी अपने जीवन में स्थिर नहीं होते हैं। इनको हमेशा अपने अंदर बदलाव करना, परिवर्तन करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। मित्रों, एल नाम वाले जातक एवं आर नाम वाले जातक, इन दोनों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो सामान्य रूप से सही रहेगा, यानी कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप शादी कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में एस्ट्रो फॉर यू को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में अपने इष्ट देवता का नाम आप कमेंट अवश्य कर दें एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।